भाइयों बहनों नमस्कार। मेहरबान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है, देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक लेमन ईट। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द फिल्म एंड यस वेट फॉर मी। दोस्तों, आज 29 अप्रैल 2020 का दिन हम सभी के लिए बहुत ही दुखद समाचार लेकर आया है। दोस्तों, फिल्म जगत के शानदार अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। इरफान खान ने 53 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और इस दुखद समाचार से हमारे राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल इरफान को 2018 में ट्यूमर हुआ था, उसके बाद से ही वे लगातार बीमार चल रहे थे, और अब आखिरकार फिल्म जगत के महान कलाकार इरफान अपनी ज़िंदगी की जंग में हार चुके हैं और हम सभी को अलविदा कर जा चुके हैं। दोस्तों, आज हम इरफान खान के बीते कल के बारे में कुछ बातें आप सभी से करना चाहेंगे। दोस्तों, इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक शहर में हुआ। इनके पिताजी टायर का बिजनेस किया करते थे। इरफान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और अभिनय में उनकी दिलचस्पी थी। सन 1984 में MA करने के साथ साथ उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्कॉलरशिप मिली थी, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय की कला को और भी निखारा। इसके साथ उन्होंने कई थिएटर शो भी किए। आगे चलकर वे अपने अभिनय की कला को आजमाने के लिए मुंबई आ गए। बहुत संघर्ष के बाद उन्हें TV पर आने का मौका मिला, और उन्होंने चाणक्य और भारत एक खोज जैसे सीरियल किए। लेकिन इरफान का सपना बड़े पर्दे पर आना था, और कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें 1988 में सलाम बॉम्बे फिल्म में छोटा सा रोल करने को मिला, और फिर धीरे धीरे अपने अभिनय के बल पर उन्होंने फिल्म जगत में अपना लोहा मनवाया और महान कलाकारों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवाया। इनकी ढेरों फिल्में सुपर डुपर हिट रही, जिनमें पान सिंह तोमर, सात खून माफ, हैदर, मेट्रो, पीकू, हिंदी मीडियम, अमेजिंग स्पाइडरमैन, लंच बॉक्स आदि शामिल है। अपनी फिल्मों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में अवार्ड भी दिए गए। सन 1995 में इन्होंने सुतापा सिकदर से शादी कर ली, और जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम बाबिल और आयान है। हालांकि दोस्तों, इरफान अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत और ताकत प्रदान करें।